यदि आपकी नजर में कोई ऐसी गरीब कन्या है जिसका कोई सहारा नहीं या फिर वह गरीब परिवार से संबंध रखती है और उसके माता पिता उसकी शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसी गरीब कन्याओं की जानकारी आप नाचन जन कल्याण सेवा समिति को दे सकते हैं। समिति ने 21 सितंबर से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्रों में ऐसी गरीब और बेसहारा कन्याओं की शादियों करवाने का निर्णय लिया है। समिति हर वर्ष नवरात्रों के दौरान जरूरतमंद कन्याओं की सामूहिक शादियां करवाती है। इसी कड़ी में समिति इस बार भी पुण्य का यह कार्य करने जा रही है। समिति के संयोजक ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि सामूहिक शादियों के दौरान डीसी मंडी संदीप कदम के हाथों कन्यादान करवाया जाएगा और समिति के सभी सदस्य सेवादार के रूप में इन शादियों में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया है कि इन नवरात्रों में इन गरीब परिवार बेटियों की शादी करवाई जाएगी और जिसमें हमारे सभी सदस्यगण इसमें भाग लेंगे और हमारे जिलाधीश महोदय प्रशासनिक अधिकारी इसमें सहयोग देंगे और इन बेटियों का जो कन्यादान जो है वो जिलाधीश महोदय जी ही करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, लेकिन नाचन जनकल्याण सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारी इसमें सेवादार रूप में काम करेंगे। ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि गरीब और जरूरतमंद कन्या चाहे जिस भी जाति धर्म से संबंध रखती हो उसकी शादी उसी जाति धर्म के रीति रिवाजों के आधार पर करवाई जाएगी। निभाई जाने वाली रस्मों में जो भी खर्च आएगा उसे समिति ही अदा करेगी और परिजनों की एक पाई भी खर्च नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी की भी नजर में ऐसी कोई कन्या हो तो वह इसकी जानकारी नाचन जन कल्याण सेवा समिति को दे सकता है। बेटी के माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और जिन बेटियों के माँ बाप नहीं है उन सब बेटियों का इसमें हम कोई भी खर्चा नहीं होने देंगे। एक धाम के रूप में एक लगन जो सामाजिक जिस वर्ग का है वो सभी वर्गों के रूप में, चाहे वो हरेक समुदाय का क्यों नहीं हो, चाहे सरदार समुदाय में है जिस प्रकार हिंदू धर्म में है और जिस प्रकार मोहम्मदन परिवार से हैं, तो हम उसी धर्म से ही इन बेटियों की शादी धूमधाम से मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।